नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में अंबेडकर पार्क के सामने। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती और 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो है आपको बता दें कि नगर निगम लखनऊ के समस्त अनुसूचित जाति जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहां पे खान पीन की व्यवस्था देख रहे हैं और स्टॉल बहुत बड़ा लगाए हैं। आपको बता दें यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा है और मेले में आए हुए लोगों के लिए और बाबा साहब के जयंती को सफल बनाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी जो है खाने की व्यवस्था की है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट करते हैं, क्या प्रेरणा मिलती है उनको। तो हमारे साथ में मौजूद हैं नगर निगम के कर्मचारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा स्टॉल लगाने की जो है क्या जरूरत पड़ती है। आज जो है बाबा साहब की जयंती है, उनके अवसर पर यहाँ पे लाखों लोग आते हैं और यहाँ पे उनके खान पीन के लिए जो है नगर निगम के कर्मचारी व्यवस्था करते हैं। किस उद्देश्य से व्यवस्था करते हैं सर? ये यहाँ पे शुरुआत 2009 से हुई थी। उसमें बाबा साहब की जो झांकी निकलती थी उसमें जो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने उनकी व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी जो आते थे व्यवस्था के लिए स्टॉल लगाया गया, जिसमें शुरुआत में हम लोगों ने पूड़ी की व्यवस्था की, कुछ मिठाई वगैरह की, अन्य व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराया। क्योंकि भाई बाबा साहब के अनुयायी शाम को जो इतनी धूप होती थी और इन सब व्यवस्थाओं करने के लिए करना पड़ा। तो और भी कर्मचारी यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर जयंती? बाबा साहब की 131वीं जयंती पर तो सभी बाबा साहब और के अनुयायियों देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। नगर निगम परिवार हमारे बाबा साहब के भक्तों को प्रसाद ग्रहण करा रहा है, क्योंकि वो इस धूप में चलकर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लखनऊ पधारे हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, केवल उनको जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि इस धूप में भोजन और पानी की अति आवश्यकता है। यहाँ पे जो है लखनऊ में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लाखों लोग आते हैं। मैं लालमणि प्रसाद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, और हमारे कर्मचारी जो जिनके बदौलत ये मूवमेंट खड़ा हुआ है, जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग दे करके कारवां को आगे बढ़ाने का सहयोग किया है, और जहां लाखों की तादाद में लोग बाबा साहब के जन्मदिन पर हर्षोल्लास के साथ अपना जोशो खरोश के साथ पूरे देश ही अपने भारत देश ही नहीं दुनिया में आज बाबा साहब को याद किया जा रहा है। तो आज कर्मचारी जो हमारा बम शेप के साथी हैं, जो लोग अपना योगदान ये जलपान ये ऐसे गर्मी के महीने में उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी के रूप में जो समाज के ये ऋणी हैं, जिनके बदौलत आज ये आगे बढ़े हैं, समाज के ऋणी हैं, इस नाते मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने कर्मचारी समाज को, बामसेब के साथियों को, जो इतना बड़ा पंडाल लगा करके जो तपती हुई धूप में जो हमारे नौजवान यहाँ पर जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके पानी की व्यवस्था जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ऐसे मौके पर उन सभी कर्मचारी समाज के जिन लोगों ने भी योगदान दिया उनको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन सर वर्तमान में जो सरकार है वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर के वो आए हैं। जो संविधान को ख़त्म करना चाहेगा वो स्वतः ख़त्म हो जाएगा, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है नगर निगम के कर्मचारी थे, उनसे भी बात हुई। यहाँ पे जो मैनेजमेंटिंग होता है सभी जिले के कर्मचारी हैं, यहाँ पे खान पीन की व्यवस्था देखते हैं लाखों लोग के लिए।